नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। हम भाग्य उदय की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक श्रृंखला चला रहे हैं भाग्य उदय के बारे में। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो भाग्य तो उसके साथ में ही जन्म लेता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भाग्य के उदय की, कि भाग्य को किस प्रकार उदय किया जाए, भाग्य को किस प्रकार बलवान किया जाए और किन उपायों से वो व्यक्ति बलवान करे, किन ग्रह परिस्थितियों से भाग्य और बलवान किया जा सकता है, बलवान हो सकता है, यही जानकारियाँ हमको करनी है। 8 प्रकार से भाग्य प्रभावित होता है, जैसा कि मैंने पूर्व में बतलाया है। चाहे जिस भूमि पर आप रहते हैं, आपकी संतान, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपकी संगति और आपके कर्म, ये सब कुछ प्रभावित करते हैं आपके भाग्य को। और जिसको कर्म बोला जाता है, कर्मों की पिछली जो खेती होती है उसे हम भोगते हैं और अगले जन्म के लिए हम कर्मों की खेती करते चले जाते हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि हर व्यक्ति के साथ में उसका भाग्य और उसके कर्मों की गति जुड़ी हुई है, और हमने यदि अपना भाग्य उदय करना है तो हमको इसे समझना पड़ेगा कि भाग्य है क्या। जब आप पैदा होते हैं तो आपको पैदा होते ही आपके जन्म के साथ में नसीब आपको मिल जाता है, आपका भाग्य मिल जाता है। और भाग्य का अर्थ है वह घड़ी, वह समय में उपस्थित नक्शा, जिसे आप कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव है और 12 भाव में ही आपकी पूरी जिंदगी छिपी हुई है, और उसमें एक भाव है भाग्य, और मैं भाग्य को उदय करने के बारे में आपको बोल रहा हूँ। जब कर्क लग्न की बात करेंगे तो कर्क लग्न में भाग्य का अर्थ है बृहस्पति, और बृहस्पति की भाग्योदय की उम्र है 16 वर्ष। जब कुंडली में भाग्य का अर्थ या भाग्य का अधिपति बृहस्पति है, वह व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला होगा, विद्वान होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, और व्यक्ति धीर गंभीर के साथ में विशेष रूप से फाइनेंस का गुण उसमें होगा, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस का गुण विशेष रखता है। अर्थात अर्थव्यवस्था की वो पढ़ाई करे, इकोनॉमिक्स की वो व्यक्ति पढ़ाई करे, या विशेष रूप से जिस व्यक्ति की कुंडली कर्क लग्न की है, और यदि हमारे पास में आता है कि MBA करना है, किस सब्जेक्ट में करूं, तो हम विशेष रूप से यही बोलेंगे कि आप फाइनेंस में MBA करें। हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल भी बृहस्पति करता है। यदि गृहस्थ की बात करें, संतान की बात करें, मानसिक स्थिति की बात करें या धन की बात करें, यह सब कुछ बृहस्पति है, और बृहस्पति कारक है संतान का। जब कर्क लग्न की कुंडली है तो कर्क लग्न की कुंडली में लग्न का अधिपति चंद्रमा, भाग्य का अधिपति बृहस्पति, बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि संबंध हो जाएगा तो गज केसरी योग हो जाएगा। तीनों त्रिकोण के स्वामी अर्थात चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को बलवान बना दिया जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जन्म अर्थात जीवन, पंचम स्थान बुद्धि या संतान, और कुंडली में नवम भाव अर्थात भाग्य, तीनों को ही बलवान कर सकता। तीनों को बलवान यदि कर दिया तो अब क्या होगा, जीवन में अच्छाई आ जाएगी, जीवन में एक महत्वाकांक्षा जागृत होकर के उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा, भाग्य उसका साथ देगा और बुद्धि उसका साथ देगी। बुद्धि ही तो विपरीत होती है। यदि बुद्धि को ही आपने कंट्रोल में कर लिया, यदि आपने अपनी मानसिक नियंत्रण की ताकत हासिल कर ली, तब क्या होगा, आप अच्छे और बुरे के बीच में पहचान कर पाएंगे। और इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि अपनी बुद्धि को हमेशा, जब भी आप मंदिर जाएं तो एक प्रार्थना जरूर करें कि हे भगवान, कितना भी गलत समय आए, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट मत करना, मेरी बुद्धि को नेगेटिव मत करना। यदि आपकी बुद्धि आपके साथ रह गई तो आप हर संकट को पार कर जाओगे, हर संघर्ष के साथ में आप विजयी हो जाओगे और हर शिखर को आप छू सकते हो, यदि मानसिक स्थिति पर कंट्रोल कर लिया, यदि बुद्धि पर कंट्रोल कर लिया। आपकी बुद्धि पानी की तरह होनी चाहिए, लेकिन पानी भी जिस रंग के साथ मिलता है वैसा हो जाता है, लेकिन आपको संगति का असर भी नहीं हो, इतना ज़्यादा गुणी होना है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जैसा कि रोज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस बार एक विशेष एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत महान हस्ती है श्रीमती हेमा मालिनी, जिसे कौन नहीं जानता। जन्म कुंडली उनकी कर्क लग्न की है, और कर्क लग्न के बारे में फिर मैं एक खास बात बोल देता हूँ कि कर्क लग्न का व्यक्ति कभी भिखारी नहीं हो सकता। आप 1,00,000 भिखारी ढूंढिए और उनकी जन्म कुंडली निकालिए, कोई कर्क लग्न का नहीं मिलेगा, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए, ये निश्चित रूप से ध्यान कर लीजिए। जन्म कुंडली हेमा मालिनी जी की कर्क लग्न की है, और लग्न का अधिपति ही भाग्य से संबंध जोड़ रहा है, अतः नवम भाव में है, और भाग्य का अधिपति बृहस्पति कुंडली में 6th हाउस में है, जो कि कर्म को देखता है। और जब बृहस्पति जैसा भाग्य का अधिपति कर्म को देखेगा तो भाग्यवशात अच्छे कर्म होने लगते हैं, भाग्यवशात व्यक्ति अच्छे कैरियर की तरफ मुड़ जाता है, या उसे भाग्य से आजीविका का साधन मिल पाता है, भाग्य से आदमी सफल हो जाता है, या भाग्य का सुख ज़्यादा मिलता है, ये कह सकते हैं जब भाग्य बलवान हो। तो भाग्य बलवान कैसे हो सकता है, ये एग्जाम्पल है। इस कुंडली में शुक्र और शनि दोनों ही कुंडली में 2nd हाउस में धन भाव में, सप्तम स्थान का अधिपति वो ग्रह है शनि, और कुंडली में लाभ भाव का अधिपति वो है शुक्र,
दोनों ही धन से संबंध जोड़ रहे हैं। जब लाभ भाव का अधिपति खुद धन से संबंध जोड़ ले और धन का अधिपति अर्थात सेकंड हाउस का लॉर्ड सूर्य पराक्रम से संबंध जोड़ ले, अतः जो आपने कमाए उससे भी आपके पराक्रम की वृद्धि हुई, भाग्य आपका साथ देता ही जा रहा है, तो देख लीजिए किस उम्र से आरंभ करके इस उम्र तक भी उनका ग्लैमर, उनके संस्कार, उनकी प्रतिभा और जो उनके गुण हैं वो सब आज भी परिभाषित होते हैं, आज भी लक्षित होते हैं। उम्र के साथ में जो उनके अंदर निखार आया एक्टिंग में या उनके गुणों का जो विकास हुआ है वो काबिले तारीफ है। श्रीमती हेमा मालिनी जी की कुंडली में एक विशेष बात और है। कुंडली में दशम भाव का अधिपति, जिसको कैरियर बोलते हैं, जिसको कर्म बोलते हैं, कर्म भाव का अधिपति, टेंथ हाउस का अधिपति कुंडली में त्रिकोण में स्थित है, जो कि अपने आप में राजयोग कारक है। और वापस वही मंगल कुंडली में लाभ भाव को देखता है, तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? गेन के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, पुण्य के लिए या जो उसको मिल जाए शुभ कर्म के लिए। तो मंगल वह स्थिति पैदा करता है जहाँ कर भी जहाँ पर कि व्यक्ति कर्म करे और उसे शुभ परिणाम प्राप्त हो। एक चीज़ और अच्छी है इस कुंडली में कि बृहस्पति और सूर्य दोनों का दृष्टि संबंध है। इस कुंडली में बृहस्पति भाग्य भाव का अधिपति है और सूर्य धन भाव का अधिपति है, तो भाग्य और धनेश का दृष्टि संबंध इस कुंडली में बहुत अच्छी युति करके इनको आगे बढ़ने में सहायक है। तो ये कर्क लग्न के व्यक्ति यदि अपने जीवन में पुखराज या सुनेला पहन लें तो सर्वश्रेष्ठ उन्नति प्राप्त होती है, अतः भाग्य का उदय होता है, भाग्य बलवान होता है। और इसके साथ में यदि मोती और मूंगा पहन लें तो सोने पे सुहागा, अतः जिंदगी, आपकी संतान या आपकी बुद्धि और आपका भाग्य तीनों बलवान हो जाएंगे और इसी स्थिति को हम भाग्य वृद्धि बोलते हैं। यदि कर्क लग्न की कुंडली में एक और कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको कि यदि आपकी कुंडली में कर्क लग्न है और बारहवें घर में शुक्र है तो व्यक्ति धनवान जरूर होगा। तो ऐसे अनेक योग होते हैं, समय पर रहते हुए आपको उन योगों को पहचानना है और पहचान करके आपने अपने जीवन में भाग्य का लाभ यदि उठाना है तो ज्योतिष की सहायता से उन रत्नों को धारण करके, बृहस्पति के उपाय करके, राम रक्षा पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु की पूजा उपासना करें, गुरुवार का व्रत करें, ये सब करते हुए आप अपने जीवन में भाग्य के उत्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे सिंह लग्न की ओर। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। कमल श्रीमाली जी हर महीने मुंबई, पुणे, दिल्ली में भी उपलब्ध होते हैं। यदि आप इन शहरों में रहते हैं या इन शहरों के आसपास रहते हैं और कमल श्रीमाली जी से पर्सनली मिलकर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और वास्तुशास्त्र कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर डायल करके पहले से ही उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप घर बैठे ही फोन पर कमल श्रीमाली जी से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और वास्तुशास्त्र कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन फोन नंबर्स पर डायल करके घर बैठे ही फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं। कमल श्रीमाली जी को आप अपने शहर में वास्तु विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। अब भारत के किसी भी शहर या दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना रहते हों, यदि आप अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप, शोरूम के लिए वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या फिर नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो इन फोन नंबर्स पर फोन करें और अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर जान लें।